एग्जाम गुरु एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वर्तमान में कौन क्या है पे, यानी कि 2020 की जितनी भी नई नियुक्तियां हुई हैं उन सभी पे हम चर्चा करेंगे और 50 से ज़्यादा अपॉइंटमेंट पे जो है इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, जो कि आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो SSC का एग्जाम हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, या फिर PCS या फिर पुलिस का एग्जाम हो। तो शुरू से लास्ट वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और देखिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की PDF की लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ में जो आपका बेल आइकॉन है यानी कि घंटे वाला आइकॉन है इसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको इस चैनल के सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिल जाए। और देखिए वीडियो को लाइक करके इसको शेयर भी कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए सबसे पहली नियुक्ति आपकी है नेपाल में भारत के नए राजदूत की। तो पहला प्रश्न आपका बनता है कि नेपाल में भारत के नए राजदूत कौन बनाए गए हैं। तो देखिए इनका नाम है विनय मोहन क्वात्रा। और दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में जाने जनसा को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है। तो देखिए जो आपके जाने जनसा हैं ये स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री चुने गए हैं अभी हाल ही में। तीसरा प्रश्न है कि मास्टर कार्ड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं। तो देखिए इनका नाम है माइकल माइबस। और जो आपके माइकल माइबस हैं इनका देखिए नियुक्ति तो इसी साल हुआ है, लेकिन इनका जो कार्यकाल है ये 2021 से स्टार्ट होगा। और उस समय जब ये इनका कार्यकाल स्टार्ट हो जाएगा तो ये उस समय इस पद पर जो है अजय बंगा का स्थान लेंगे। और देखिए वर्तमान समय की बात करें तो जो आपके अजय बंगा हैं ये मास्टर कार्ड के CEO बने रहेंगे पूरे 2020 में, और फिर 2021 से कौन बन जाएंगे, माइकल माइबेस। तो देखिए ये जो मैंने आपको डिफरेंस बताया इसको याद रखना है आपको। और चौथा प्रश्न आपका है कि हाल ही में किसने जो है यूनाइटेड किंगडम के अटार्नी जनरल के रूप में शपथ ली है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं सुजेला ब्रावरमैन। और पांचवा प्रश्न है कि वेनेजुएला में भारत के नए राजदूत कौन बनाए गए। तो देखिए वेनेजुएला में अभी रिसेंटली जो आपके अभिषेक सिंह हैं ये भारत के नए राजदूत अपॉइंट किए गए हैं। और छठा प्रश्न है कि नोकिया का जो नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी है यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है और अध्यक्ष है, ये किसे बनाया गया है। तो देखिए जो आपके पेक्का लुंडमार्क हैं तो पेक्का लुंडमार्क को अभी हाल ही में नोकिया का CEO और अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। और सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किसने मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं मोहिउद्दीन यासीन। और आठवां प्रश्न है कि भारत के नए वित्त सचिव कौन बने। तो देखिए अब तक राजीव कुमार भारत के वित्त सचिव थे, लेकिन अभी रिसेंटली हाल ही में अजय भूषण पांडे को भारत का नया वित्त सचिव अपॉइंट किया गया है, ठीक है। तो अजय भूषण पांडे जो है इस पद पर किसका स्थान लेंगे, राजीव कुमार का। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत के नए वित्त सचिव कौन है तो इनका नाम है अजय भूषण पांडे। और नवा प्रश्न है कि हाल ही में BCCI की सलाहकार समिति ने किसे जो है टीम इंडिया का मुख्य चयनकर्ता अपॉइंट किया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं सुनील जोशी। दसवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे तुर्की में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। तो तुर्की में देखिए भारत के नए राजदूत अपॉइंट किए गए हैं संजय कुमार पांडा जी। और ग्यारहवां प्रश्न है कि हाल ही में किसे पूमा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो देखिए आपकी पूमा कंपनी है इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं करीना कपूर जी। और बारहवां प्रश्न है कि वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है। तो देखिए जो आपका सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी है इसके जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है अजय त्यागी। और तेरहवां प्रश्न है कि किस व्यक्ति ने हाल ही में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में शपथ ली है। तो देखिए इनका नाम है विमल जुल्का। और चौदहवां प्रश्न है कि जनरल मनोज मुकुंद नरवाने भारत के किस क्रम के सेनाध्यक्ष बने हैं। तो देखिए जो आपके जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हैं ये जो है 28वें सेना प्रमुख बने हैं इंडियन आर्मी के, और ये इस पद पर जो है इन्होंने स्थान लिया है जनरल बिपिन रावत का। और पंद्रहवां प्रश्न है कि महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो देखिए महाराष्ट्र के जो नए उप मुख्यमंत्री बने हैं इनका नाम है अजीत पवार। और देखिए महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है उद्धव ठाकरे, ठीक है, इनका नाम जरूर आपको याद रखना है। सोलहवां प्रश्न है कि किस व्यक्ति को दोबारा जो है रेलवे बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो देखिए रेलवे बोर्ड के दोबारा चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं अभी हाल ही में VK यादव जी। और जिनका देखिए रेलवे का एग्जाम लगा हुआ है इनका नाम आपको जरूर उनको याद रखना है। तो VK यादव जो है वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं, ठीक है। और सत्रहवां प्रश्न है कि गिनी बिसाओ के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो देखिए जो आपके उमारो सिस्कोको इम्बालो हैं ये गिनी बिसाओ के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। और अठारहवां प्रश्न है कि हाल ही में किसे ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के विदेशी अभियानों का नया कमांडर अपॉइंट किया गया है। तो देखिए इनका नाम है इस्माइल कानी और इन्होंने इस पद पर कासिम सुलेमानी का स्थान लिया है। देखिए जो आपके कासिम सुलेमानी हैं 2020 में काफ़ी चर्चा में थे,
देखिए, इनको जो है एक अमेरिकी हवाई हमले में जो है मार गिराया गया था, और फिर इनके बाद यानी कि कासिम सुलेमानी के बाद जो फिर इस्माइल कानी को अपॉइंट किया गया ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के विदेशी अभियानों के नए कमांडर के रूप में। और 19वां प्रश्न की हाल ही में किस व्यक्ति को सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के महानिरीक्षक यानी कि IG पद पर फिर से अपॉइंट किया गया है? तो देखिए, व्यक्ति आपके हैं अभिनव कुमार, और जबकि अभिनव कुमार हैं ये अब जो है फिर 27 जून 2021 तक जो है इस पद पर यानी कि BSF के जो है महानिरीक्षक यानी कि IG के पद पर काम करेंगे। 20वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का पहला अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, ये व्यक्ति आपके हैं सुरेश चंद्र शर्मा। सुरेश चंद्र शर्मा को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का पहला अध्यक्ष बनाया गया है। और देखिए, जो आपके सुरेश चंद्र शर्मा हैं ये 3 साल या फिर 70 साल की उम्र तक जो है इस पद पर काम करेंगे। देखिए, अभी हाल ही में रिसेंटली जो है जो आपका राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग है, ठीक है, तो इसका गठन किया गया था, और इसके जो पहले अध्यक्ष बने हैं इसलिए इनका नाम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो इसके पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? सुरेश चंद्र शर्मा जी, इनका नाम आपको हर हालत में याद रखना है। और 21वां प्रश्न है कि झारखंड का नया विधानसभा अध्यक्ष जो है किसे चुना गया है? तो देखिए, ये व्यक्ति आपके हैं रविंद्रनाथ महतो। और 22वां प्रश्न है कि भारतीय परिधान निर्यात संवर्धक परिषद का नया चेयरमैन जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, ये व्यक्ति आपके हैं ए शक्तिवेल। ए शक्तिवेल को रिसेंटली भारतीय परिधान निर्यात संवर्धक परिषद का जो है नया चेयरमैन बनाया गया है। और 23वां प्रश्न है कि किस व्यक्ति को आवास और शहरी विकास निगम यानी कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अपॉइंट किया गया है? तो देखिए, इनका नाम है एम नागराज। और 24वां प्रश्न है कि ताइवान की नई राष्ट्रपति कौन चुनी गई है? तो देखिए, जो आपकी ताइवान की नई राष्ट्रपति बनी है इनका नाम है साई इंग वेन। और 25वां प्रश्न है कि ओमान के नए सुल्तान कौन बने? तो देखिए, जो आपके ओमान के नए सुल्तान बने हैं इनका नाम है सैयद हैथम बिन तारिक अल सैद। नाम थोड़ा सा लंबा है लेकिन आपको याद रखना है। तो ओमान के नए सुल्तान का नाम है सैयद हैथम बिन तारिक अल सैद। और 26वां प्रश्न आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 26वां प्रश्न है कि CRPF के नए महानिदेशक कौन बने? तो देखिए, इनका नाम है आनंद प्रकाश माहेश्वरी। और 27वां प्रश्न है कि माल्टा के नए प्रधानमंत्री कौन अपॉइंट हुए हैं? तो देखिए, जो आपके माल्टा के नए प्रधानमंत्री बने इनका नाम है रॉबर्ट अबेला। और 28वां प्रश्न है कि रूस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए, रूस के जो नए प्रधानमंत्री बने इनका नाम है मिखाइल वी मिसुस्तीन। और 29वां प्रश्न है कि भारतीय तीरंदाजी संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देखिए, इनका नाम एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका नाम है अर्जुन मुंडा। तो अर्जुन मुंडा को अभी हाल ही में भारतीय तीरंदाजी संघ का नया अध्यक्ष बनाया गया था। और 30वां प्रश्न है कि हाल ही में किसे नेशनल बुक ट्रस्ट के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए, इनका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल युवराज मलिक। तो जो आपके लेफ्टिनेंट कर्नल युवराज मलिक हैं इनको जो है नेशनल बुक ट्रस्ट का निदेशक अपॉइंट किया गया था हाल ही में। और 31वां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को एक बार फिर जो है 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत का महासर्वेक्षक अपॉइंट किया गया है? तो देखिए, इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल गिरीश कुमार, ठीक है। तो जो आपके लेफ्टिनेंट जनरल गिरीश कुमार हैं इनको जो है 1 वर्ष के लिए जो है भारत का फिर से जो है महासर्वेक्षक अपॉइंट किया गया है। और 32वां प्रश्न आपका है कि किस व्यक्ति को पश्चिमी रेलवे का महाप्रबंधक अपॉइंट किया गया? तो देखिए, ये व्यक्ति आपके हैं आलोक कंसल। और 33वां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को भारतीय सेना का नया उप प्रमुख अपॉइंट किया गया है? तो देखिए, इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल SK सैनी। 34वां प्रश्न है कि हाल ही में किसे नेहरू मेमोरियल संग्रहालय एवं पुस्तकालय की कार्यकारी परिषद का जो है अध्यक्ष बनाया गया है? तो देखिए, ये व्यक्ति आपके हैं नृपेंद्र मिश्रा। आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में नृपेंद्र मिश्रा को नेहरू मेमोरियल संग्रहालय एवं पुस्तकालय का जो है कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। और 35वां प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए, इनका नाम बहुत ही चर्चा में है, इनका नाम है JP नड्डा, ठीक है। और इन्होंने इस पद पर अमित शाह का स्थान लिया है। और 36वां प्रश्न है कि ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई हैं? तो देखिए, इनका नाम है कटरीना सकिल रो पावलो। और 37वां प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिका में पहले भारतवंशी पगड़ी धारक डिप्टी कांस्टेबल कौन बने हैं? तो देखिए, ये व्यक्ति आपके हैं अमृत सिंह। और 38वां प्रश्न है कि हाल ही में किसे बांग्लादेश क्रिकेट टीम का नया गेंदबाजी कोच अपॉइंट किया गया है? तो देखिए, ये व्यक्ति आपके हैं ओटिस गिब्सन। और 39वां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो
तो देखिए ये व्यक्ति आप क्या हैं, संजीव चड्ढा जी। तो जो आपके संजीव चड्ढा हैं, इनको अभी हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपॉइंट किया गया था। 40वां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपॉइंट किया गया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं अतनु दास। और 41वां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को केनरा बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। तो केनरा बैंक के जो नए प्रबंध निदेशक अपॉइंटमेंट, इनका नाम है लिंगम वेंकट प्रभाकर, यानी कि LV प्रभाकर जी। तो देखिए इनका नाम जो है, पूरा नाम भी एग्जाम में दे सकता है और शॉर्ट में भी, ठीक है। तो LV प्रभाकर का मतलब क्या है, लिंगम वेंकट प्रभाकर। और 42वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने जो है नेपाल की संसद के निचले सदन, जिसका नाम है प्रतिनिधि सभा, तो इसके अध्यक्ष का जो है पदभार ग्रहण किया है। तो देखिए व्यक्ति आपके हैं अग्नि प्रसाद। और 43वां प्रश्न है कि भारतीय बैंक संघ यानी कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं। तो देखिए इनका नाम है सुनील मेहता। और 44वां प्रश्न है कि अजय बिसारिया को किस देश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो देखिए अजय बिसारिया जो है ये कनाडा में भारत के उच्चायुक्त अपॉइंट हुए हैं। 45वां प्रश्न है कि हाल ही में किसे कोल इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं प्रमोद अग्रवाल। और 46वां प्रश्न है कि इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने। तो देखिए इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं मोहम्मद तौफीक अलावी। और 47वां प्रश्न है कि गोपाल बागले को हाल ही में किस देश में भारत का उच्चायुक्त अपॉइंट किया गया है। तो देखिए गोपाल बागले को श्रीलंका में अभी हाल ही में भारत का उच्चायुक्त अपॉइंट किया गया था। और 48वां प्रश्न है कि भारतीय पैरालंपिक समिति की नई अध्यक्ष कौन बनी है। तो देखिए इनका नाम है दीपा मलिक। दीपा मलिक एक पैरा एथलीट हैं और इनको भी हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। 49वां प्रश्न है कि JSW स्टील के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को अभी हाल ही में JSW स्टील का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो की लिंक मिलेगी, उसमें आपको बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर के नाम पता चल जाएंगे जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो कि इनका अपॉइंटमेंट अभी हाल ही में रिसेंटली हुआ था 2019 में, ठीक है। तो उस वीडियो को जरूर देख डालिएगा। और 50वां प्रश्न है कि ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री कौन बने हैं। तो देखिए ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री बने हैं ऋषि सुनक, ये एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और इसीलिए इनका नाम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी बन जाता है। 51वां प्रश्न है कि केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने किसे जो है एयर इंडिया का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं राजीव बंसल। 52वां प्रश्न है कि किस व्यक्ति को न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो देखिए इनका नाम है जी नारायणन। और 53वां प्रश्न है कि किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को संयुक्त अरब अमीरात का नया क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया गया है। तो देखिए इनका नाम है रॉबिन सिंह। 54वां प्रश्न है कि हाल ही में 15वें वित्त आयोग ने रक्षा और आंतरिक सुरक्षा पर 5 सदस्यीय पैनल का गठन किया है, इस पैनल के अध्यक्ष कौन होंगे। तो देखिए इस पैनल के अध्यक्ष होंगे NK सिंह जी। 55वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे दिल्ली विधानसभा का स्पीकर चुना गया है। तो देखिए जो आपका दिल्ली विधानसभा का अभी हाल ही में चुनाव हुआ था, इसमें अरविंद केजरीवाल को फिर से तीसरी बार मुख्यमंत्री चुना गया। और वहाँ पर फिर विधानसभा का जो स्पीकर का चुनाव होता है, तो वहाँ पर जो राम निवास गोयल हैं, इनको दिल्ली विधानसभा का फिर से जो है स्पीकर चुना गया है। और 56वां प्रश्न है कि हाल ही में किसे फ्रांस में भारत का राजदूत अपॉइंट किया गया है। तो देखिए जो आपके जावेद अशरफ हैं, इनको फ्रांस में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। 57वां प्रश्न सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत के 47वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं। तो देखिए भारत के जो 47वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, इनका नाम है शरद अरविंद बोबड़े और इन्होंने इस पद पर रंजन गोगोई का स्थान लिया है। तो ये थे आपके 57 ऐसे अपॉइंटमेंट जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और इनको आप रट जाइएगा और एक बार हो सके तो फिर से वीडियो को देख कर रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है और आपको अभी क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरे जो आगे आने वाले वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिल जाए और वीडियो को तुरंत लाइक करके इसको शेयर भी कर दीजिएगा। और नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको यहाँ से भी GS और करेंट अफेयर के अपडेट मिलते रहें। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।